हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने वीवो के फ़ोन में जो अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन को हम कैसे इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। तो कैसे अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शन इनेबल एंड डिसेबल करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बस वीडियो को हम सिंपली शुरू कर देते हैं। तो बस देखिए, सबसे पहले हमको कर देते हैं बस वीवो का फ़ोन है, वीवो के फ़ोन की मोबाइल सेटिंग्स होती है, उस सेटिंग्स को हमें ओपन करनी है। तो सिंपली हम सेटिंग्स को ओपन कर देंगे। तो अगर जैसे कि यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन शो होता होगा, तो अगर हम इस ऑप्शन पर हम सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इंटरफेस शो होता होगा। तो जैसे आपको करना है सिंपली डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे बहुत सारी सेटिंग्स सिंपली शो हो जाएंगी। तो वैसे यहाँ पे आपको सेकंड नंबर ऑप्शन जो अडेप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन सिंपली आपके यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के लिए जैसे आपकी जो ब्राइटनेस है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। तो जैसे आप अपने इसको ऑन करेंगे तो वैसे आपकी जो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। और वैसे इसको हम डिसेबल कर देंगे, डिसेबल करने के बाद आप अपने हिसाब से जो ब्राइटनेस है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जितनी आपको रखनी हो उतनी रख सकते हो। तो इस तरीके से अपने अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शन इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। और जैसे अगर आपको यहाँ पर डार्क थीम है, स्क्रीन टाइम और प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर सकते। जैसे कि हम डार्क थीम पे जाते हैं, डार्क थीम में आने करके यहाँ से हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने जब डार्क थीम ऑप्शन हमारा इनेबल हो जाएगा। और जैसे अगर आपको ऐसे डिसेबल करने के सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे तो वैसे हमारा डिसेबल भी हो जाएगा सिंपली। तो वैसे यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो वैसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू।